हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा अपडेट पे। तो आज जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही वो है पावर प्लान महाराष्ट्र में, जिसमें ITI डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा अपडेट को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट भी ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइनें, जिससे कि हम आपको डेली न्यू जॉब की अपडेट दे सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करें, और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए, भारत इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एंड MFRS प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक महाराष्ट्र की कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें कुछ वैकेंसियाँ आई हुई हैं। जैसे कि देखिए, पहला ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो इसमें जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पे जाता हूँ तो देखिए इसमें बताता है लोकेशन कॉर्पोरेट ऑफिस, ये महाराष्ट्र में है। इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ये फीमेल के लिए नहीं है। देखिए इसमें लिखा है मेल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि हम लोग ने ये देखा कि इसमें देखिए उन्होंने मांगा है जावा MVC बेस्ड वेब डेवलपमेंट, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है कि आपके पास जो है बी या बीटेक, मतलब ये सिर्फ बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जो साइंस कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं वो इसे ज़रूर अप्लाई करें। ये सभी के लिए एक अच्छी जॉब है, इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में तो आप वैसे भी जानते हैं कितनी अच्छी सैलरी मिलती है। दूसरी जॉब जो आई है वो देखिए यहाँ पे आई है, जूनियर साइट इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। देखिए इसमें क्या मांगा है, लोकेशन एनीवेयर इन महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। ये आपकी महाराष्ट्र में कहीं पे भी आप मिल सकती है आपको ये जॉब। एक्सपीरियंस देखिए, आप इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है HVEHV प्रोजेक्ट्स, और फ्रेशर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने कुछ भी किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा है, और बी मांगा मतलब बैचलर इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो बीटेक वाले भी इसको भर सकते हैं, और डिप्लोमा वाले भी इसे भर सकते हैं। अब दूसरी वैकेंसी जो है वो दिखाता हूँ मैं। देखिए इनके में भारत इलेक्ट्रिकल, जो कि एक महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो देखिए उन्होंने कई वैकेंसी निकाले हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक ये ओपन है ITI वालों के लिए। हाँ दोस्तों, ITI वाले कहीं के भी हों, आप कोई भी स्टेट के हों, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन देखिए, ये महाराष्ट्र में ही है, पहले ही बताया ये महाराष्ट्र में ही वैकेंसी निकली। इसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो मांगा है, ITI इलेक्ट्रिकल, देखिए ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन मांगा है। आप लोग गुड कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, मतलब कि आपको बोलने चालने का तरीका अच्छे से आता हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ITI वालों के लिए। और सैलरी इसमें बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि एक महाराष्ट्र में है, तो फिर आप समझ ही सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी बीटेक या डिप्लोमा वाले हैं या ITI वाले हैं, इसे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ, देखिए एक ये है बिलिंग इंजीनियर की। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाते, देखिए इसमें मांगा है महाराष्ट्र में, कहीं पे भी दे सकते, देखिए एनीवेयर इन महाराष्ट्र। एक्सपीरियंस देखिए आपका 2 साल का मांगा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा है, और बीटेक इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन इंजीनियरिंग मांगा है, ठीक है। तो आप जो भी हो, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे अप्लाई करें, जितने भी डिप्लोमा बीटेक वाले हैं। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको, जो कि महाराष्ट्र में, तो आप लोग इसे अप्लाई करें। और देखते हैं, देखिए एक ये थी, एक ये देखिए, ये एक ओपन है, ये सीनियर साइट इंजीनियर की है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए इसमें एनीवेयर इन महाराष्ट्र, तो सब आप लोग को मालूम होगा कि महाराष्ट्र में कहीं भी मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये सीनियर वालों के लिए, इसमें आपका 5 साल से ऊपर होना चाहिए एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तब भी मिल जाएगा, अगर आपने बीटेक किया है तो भी आपको मिल जाएगा, बैचलर अगर आपने किया, ठीक है। और ये रही आज की पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग सभी इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें।